हम तो बीकॉम ऑनर्स है अकाउंट्स ग्रुप रांची यूनिवर्सिटी। तो आपको सीए हुए होना होना चाहिए। हाँ जी, आप पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो रटिए लिया, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है। 16-17 नौकरी छोड़े, फिर गैस एप्लीकेशन में काम किए, आर्टिकल शिप किए, एचएमटी में किए, ऑडिट करते थे हम लोग, एचएमटी में भी कर चुके। हाँ हाँ, ऑडिट तो हम लोग जहाँ पर आर्टिकल्स अगर जो फॉर्मूला बनाते थे मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू है, भी इंग्लिश में बनाए हम, गो गोज एम इज आर गोइंग हैबेस गॉन हैबेस बीन गोइंग। समुन्दर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। वाह वाह वाह। ये सरकारी नौकरी भी हम आदमी को 84 में किए थे बिहार विधानसभा में। हाँ। फिर रूरल कोऑपरेटिव फेडरेशन में, बिहार विधानसभा में भी काम चुके हैं। जी, अकाउंट्स में थे, 850 का स्केल था 84 में। सच में? हाँ जी। ख्वाब और ख्याल। हाँ। माना ये हकीकत नहीं है, पर चलो जिंदगी के दो लम्हे तो गुजरे यूं ही, कभी ख्वाबों में कभी ख्यालों में। देखिए, हम 1986 में पास आउट हो गए थे बीकॉम ऑनर्स रांची यूनिवर्सिटी। आपने आदमी चल दिए, स्किल्ड करते हैं, देश के लिए काम करेंगे, आपको भी स्किल्ड करेंगे। बिहार में पढ़े लिखे लोग जो है आज पानी पूरी बतासा और फुल्की बेच रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग सत्ता चला रहे हैं। और बिहार में टैलेंट जो है रोड पर किस तरीके से घूमता है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चाचा है जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल होगी। चाचा के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जब आप इनसे पूछेंगे तो ये तमाम प्रकार की डिग्री बताएंगे, जो डिग्री हासिल करके ये क्या बेच रहे हैं। चाचा क्या बेच रहे हैं? देखिए, हम बेच तो रहे हैं, खुरमा बेच रहे हैं। खुरमा बेच रहे हैं? कितना पढ़े हैं आप? खुरमा है, सैंडविच है। हाँ। मिलेट्स है, श्रीअन्न का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कितना पढ़े हैं आप? हम तो बीकॉम ऑनर्स है अकाउंट्स ग्रुप रांची यूनिवर्सिटी। तो आपको सीए हुए होना होना चाहिए। हाँ जी, आप पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो रटिए लिया, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। फिर भी आज आप सैंडविच बेचने पर क्यों मजबूर हैं? देखिए, मजबूर हम लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं। हम रांची यूनिवर्सिटी से पास आउट है, बहुत आदिवासी को स्किल्ड किया है। हाँ। और आदिवासी जान जाइए कि आज जनजातीय में सबसे अच्छा आदिवासी है। हाँ। तो स्किल्ड करते हैं, मेरिन ड्राइव में भी आए हैं, लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं, खुरमा खिला रहे हैं, सैंडविच देते हैं। हाँ। मिलेट्स का देते हैं। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए था, बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको प्रोफाइल संभालना चाहिए था, अकाउंट संभालना चाहिए था, आप खुरमा सुरमा का बेच रहे हैं। जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बात है तो हम बीडीसा एंड कंपनी आर्टिकल शिप किए हैं। हाँ। वो डीसीएम ऑफिस था रांची में। हाँ। आज झारखंड में है। हाँ। वहाँ डीसीएम ऑफिस के पास है बीडीसा एंड कंपनी में, वहाँ भी आर्टिकल शिप किए, एचएमटी में किए, ऑडिट करते थे हम लोग, एचएमटी में भी कर चुके। हाँ हाँ, ऑडिट तो हम लोग जहाँ पर आर्टिकल्स, अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने अंडर में जितने आर्टिकल्स क्लर्क आएंगे उनको भेजेंगे वहाँ पर ऑडिट में, तो ऑडिट में जाना होगा। अच्छा, सच में एचएमटी में काम किया है? नहीं, ऑडिटिंग था, ऑडिटिंग हॉस्पिटल में भी था, एचएमटी कारखाना में भी था। ऑडिट तो आप भी करा सकते हैं अपना। अच्छा, ये बताइए, इतना पढ़ लिख लिए आपको सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिला? देखिए, सरकारी नौकरी भी हम आदमी को 84 में किए थे बिहार विधानसभा में। हाँ। फिर रूरल कोऑपरेटिव फेडरेशन में, बिहार विधानसभा में भी काम चुके। जी, अकाउंट्स में थे, 850 का स्केल था 84 में। सच में? हाँ जी, मतलब बिहार विधानसभा के लिए भी काम कर चुके हैं। सब आर्टिकल्स किए, कहीं नौकरी में मन नहीं लगा, 16-17 नौकरी छोड़े, फिर गैस एप्लीकेशन में काम किए, गुजराती मिल गया था। हाँ। तो गुजराती बड़ा तेज होता है। हाँ। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ही के, मोदी जी जो है गुजरात के ही बिलोंग करते हैं, बड़ा तेज आदमी है। हाँ। तो मिल गया था, तो गैस एप्लीकेशन में काम किया, और जिला उद्योग केंद्र से 1992 में हमको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला एक एंटरप्राइजेज। घरेलू हिंसा से पीड़ित होकर, सबसे बड़ा चीज है कि अगर घरेलू हिंसा अगर छूट जाए ना। हाँ। तो यहाँ किसी को 2 बजे 3 बजे समय नहीं बिताना पड़ेगा, घरेलू हिंसा से परेशान होके। हाँ। आपने आदमी चल दिया, स्किल्ड करते हैं, देश के लिए काम करेंगे, आपको भी स्किल्ड करेंगे। हाँ। जरा सोचिए कि एचएमटी, इसके बाद बिहार विधानसभा और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, मल्टी इंटरनेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए काम करने वाले चाचा आज लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पढ़ लिख कर भी आज खुरमा सुरमा सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा बेचने पर मजबूर है। देखिए, पकौड़ा सबका अपना फिक्विलिटी, हम जो बनाते हैं वो मिलते ही नहीं है। हाँ। समझे ना? हाँ। एक बूंद पानी नहीं रहेगा। अगर कोई भी चीज बना दे फिक्विलिटी, हम लोग फॉरेन में बनाते हैं। आप एक बार याद होगा, ट्रम्प आए थे, जब हिंदुस्तान जब आए थे ट्रम्प आए थे। हाँ। तो उनको फॉरेन पर का कटहल दिया गया था। हाँ। फॉरेन पर का। हाँ। समझे ना? तो मिलेट्स का आप लोग नहीं जानते हैं, ज्वार होता है, बाजरा होता है, चीना होता है, कोदो होता है, समझे, रागी होता। अच्छा, है कौन से सन में जो है आपने ये पूरी डिग्री हासिल की थी? देखिए, हम 1986 में पास आउट हो गए थे बीकॉम ऑनर्स रांची यूनिवर्सिटी। 96 में?
86 में। अच्छा, और बोकारो जाके फैब्रिकेशन का काम किए। बोकारो स्टील सिटी का नाम आप जानते होंगे। हाँ। जोधाडी मोड़ में रहे तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे बॉम्बे वैरायटी जो आज लीडिंग मैन है वो उसको ड्रॉइंग और साइज बनाते थे। फाइलिंग कैबिनेट हो गया, ड्रॉइंग कैबिनेट हो गया, ऑटो हैंगर हो गया, टू ड्रॉवर सेक्रेट चैम्बर हो गया, वो स्प्रिंग चैम्बर होता है, अगर ठेल दीजिए तो लॉक लग गया। इतना पढ़ लिख कर आप मजबूरी में ये सब कर रहे हैं या फिर अपने आप को निखारने के? देखिए, निखारने के लिए क्या चीज है, देश का सेवा कीजिए। देखिए, एक आपको एग्जांपल देते हैं हम। अमेरिका में 98% स्किल्ड लेबर है। हाँ। हिंदुस्तान में 2% है स्किल्ड लेबर। सही कह रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है, एनालिसिस है, आप गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। हाँ। तो बहुत का अंतर हो गया। और स्किल्ड लेबर है तभी जो है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और जापान, जर्मनी और चाइना जो है आज विश्व पटल पर भारत से कहीं गुना आगे है। स्किल्ड का मतलब है कि हम जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चाइना में प्रत्येक आदमी स्किल्ड है और यही कारण है कि चाइना में इंडस्ट्री इतने लेवल पर है, इसीलिए चाइना डेवलप देशों की कंट्री में। गैस सप्लाई यहाँ पर बहुत लोग गैस का काम जलाते हैं। हम डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस एप्लीकेशन से मेरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन है एक एंटरप्राइजेस का। हाँ। धनबाद से, वो जिला उद्योग केंद्र से। किसी भी लोगों को लगेगा कि कम गैस बचत करना है, कोई अगर रिपेयरिंग करना है तो बाबा कर सकते हैं, खुरमा वाले बाबा। साधारण सा दिखने वाला इंसान कभी कभी मामूली नहीं होता है सर। हो सकता है कि साधारण सा दिखने वाला इंसान बहुत कुछ कठिनाइयों को झेल कर साधारण दिख रहा हो। और मेरा एक ही चीज बात है, आदमी हम पढ़ने में सबसे पीछे बेंच में बैठते थे, लेकिन बैक बेंचर थे। लेकिन एक बार जो बताएंगे वो आ जाएगा। तो लोग फॉर्मूला बनाते थे मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इंग्लिश में बनाए हम, गो गो जेम इज आर गोइंग, हैव एज गॉन, हैव एज बीन गोइंग। ईएस कहां लगता है, इज कहां लगता है, आर कहां लगता है, एम कहां लगेगा, आई एन जी कहां लगेगा, ई एन जी कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा। वाह, अब काम वम करने का मन नहीं करता है? काम तो जीवन भर करना, अभी तो आदमी लाइफ एंजॉय कर रहा है। पूरा लोगों को स्किल्ड करेंगे, आपको स्किल्ड करेंगे। आप घर में जाइएगा, बाबा सैंडविच कैसे बनेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और कोई भी पानी अगर किसी अंश में नहीं रहेगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, बच्चे उच्चे हैं आपके? बच्चे हैं तो एक लड़का है, वो मेरा तो पत्नी गुजर गई 30 साल पहले ही, दोबारा शादी हम किए नहीं। तो लड़के को भी स्किल्ड किए हैं, लेकिन अभी चाचा चाची का ही बात मान रहा है, इसीलिए मेरी ड्राइव में हमको समय गुजारने पर भी बस है। हाँ। मतलब बेटा जो है वो आपकी बात नहीं सुनता है, और शायद से आज सुनता तो कुछ वो अलग चीज होता है। हाँ, नहीं नहीं, आज भी अलग चीज होगा, क्योंकि उसको तो इतना ग्रामर पढ़ा दिया है ना, पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो करेगा। और बहुत काम कर चुके, नाम बताइए एक सांस में। देखिए, ब्लू लाइन में किए, सुपर हॉट में किए। हाँ। हैं। हाँ। और रैनी कंपनी में किए। यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स में जितने भी लोग हैं, अकाउंट्स पार्टिकुलर्स जितने भी लोग थे वहाँ ऑडिट किए हम। हाँ। हाँ। चाचा है, कितनी उम्र हुई? उम्र क्या, दांते नहीं टूटा हुआ, उम्र का काबुल है। 55 है। अरे 55 है, और 55 में तो कोई अंतर नहीं है, 70 पार होगा तब सठा तब पाठा कहलाएगा। मतलब 60 साल प्लस है, 60 प्लस है। हाँ, सीनियर सिटीजन है चाचा, और 60 प्लस इनकी उम्र है, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे कि रुतबा, रवानी और जवानी वो कहीं छुपती नहीं है। और चाचा का रुतबा, रवानी और जवानी जब सड़क पर हमने दिखी तो हम शायद से इनके जो है कहीं ना कहीं दीवाने हो गए। क्या क्या कर लेते? अच्छा ठीक है, रंग लेंगे, कल मूछ रंग लेंगे और शेविंग कर लेंगे और थोड़ा टी शर्ट पहन लेंगे और डांस कर देंगे। समुन्दर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। वाह वाह वाह, ताली बजाइए, एक बार ताली बजाओ, ताली। कोशिश करते रहिए, कभी हार नहीं होगा। वाह बहुत बढ़िया। और चाचा का शायरी बोल दीजिए दर्शक के लिए। राते सुता दिने सुता, टाइम मिला तो औरो सुता। हाँ, और रात सो रहे हैं, दिन सो रहे हैं। हाँ, समय मिलेगा तो औरो सो रहे हैं। और फिर किस्मत वो सो जाएगी। सोएगा कैसे? हाँ, ख्वाब और ख्याल। हाँ, माना ये हकीकत नहीं है, पर चलो जिंदगी के दो लम्हे तो गुजरे यूं ही, कभी ख्वाबों में कभी ख्यालों में। कोई मरता नहीं है, सब डरता है। जब यहाँ डांस कर रहे थे तो लोग इनको समझ रहे थे चाचा मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन यहाँ टाई बिहार है भैया, देख लीजिए जो लोग देख रहे हैं बाहर वाले, देख लीजिए ये बिहार है, यहाँ टैलेंट बिहार है बबुआ, बिहारी है भैया, भिखारी मत समझा। हम मेरा नेटिव प्लेस आ रहा है, रह गए थे श्यामली में पढ़े, जहाँ धोनी आज है वहाँ श्यामली से कॉस्ट अकाउंटिंग किए थे। तो आज भी जो वहाँ पढ़े वो आज भी याद है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 चैप्टर होता है, सुना दीजिए। आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, सब रट लिए थे। रटे थे
या रट लिए थे किताब? कालिदास कैसे रट लिए थे? मतलब कोई भी कहीं से पूछेगा चुक नहीं हो सकता। तो पढ़े थे, आज भी याद है। आप भी पढ़िएगा तो एक तरीका आपको बता देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। रुकिए चाचा, रुकिए।